सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारे श्री बलिदान भोलेनाथ दरबार के जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड सप्तशलके दुर्ग शिववाच देवे सर्वकार्यविधायिने कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम् मया तवेव स्नेहेन प्यम्ना श्रुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तशलोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः कनिष्ठमछन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्याले वता श्री दुर्गा नित्यः सप्तशलोके दुर्गा पाठे विनियोगः। विजयदासि देवि भगवती बलाधकृष्य मोहाय महामाया प्रियश्यते। दुर्गे स्मृता हरिषभेद्यमजयजन्तः स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखमयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते। शरणागतलीनाथ परित्रेण परायणे सर्वस्यास्ति हरे जयवि नारायणि नमोऽस्तु ते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वयवस्त्रायिणौ देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान्यपहर्षि दुष्टान् पृष्टात् कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय शयतां भयाने सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यसखिलेश्वरे। एवमेव त्वया कार्यम् अश्वरैर्विनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गस्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वरवाच शतनामं प्रवक्ष्यामि शुणुष्व कमलागणे यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सरे। ॐ सति सद्भि भवमृता भवानि भवमोचने आर्या दुर्गा जया चाध्य त्रिनेत्रा शूलधारिणे विराकधारिणे चित्र चण्डघण्टा महादवाः मोरबुद्धिरहङ्कारा चित्तलोपाजिताजिदेः सर्वमन्दमये सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणे आनन्दाभाविने भव्या 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 सदा गतेः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा
సర్వవిద్యారక్షకన్యాదక్షయజ్ఞవినాశనే అపర్ణాణైకవర్ణాచ పాటలా పాటలాలతే పట్టాంబరఫలేధాన కలమంజేరంజనే అవ్యయ విక్రమాక్రూర సుందరేశ్వర సుందరే వనదుర్గాశమాతంగే మతంగముపూజిత బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చంద్రే కౌమారీ వైష్ణవీ తథా చాముండా చైవ వారాయే లక్ష్మీ చ పురుషాకృతే విమలా సుదర్శినీ జ్ఞానక్రియా నిత్యా చ బుద్ధిదా బహుళా బహుళ ప్రేమ గర్వవాహన వాహన నిశంబశం వహనే మహిషాసురమర్దనే మధుకేతవహంద్రే చండమండా వినాశనే సర్వాసుర వినాశా సర్వదానవఘాతనే సర్వశాస్త్రమయే సత్య సర్వాశ్రధారణే తథా అనేక శాస్త్రహస్తాచ అనేకాస్త్రస్య ధారిణే కుమారీ చైకన్యా చైశోరీ యువతేయసే అప్రౌఢ చైవ ప్రౌఢ చ వృద్ధమాతామరప్రదా మహాధరే ముక్తకేశే ఘోరరూపా మహాబల అగ్నిజ్వాలారద్రముఖే కాలరాత్రిస్తమశ్విని నారాయణే భద్రకాలే విష్ణుమాయా జలోధరే శివధూతే కరాలే చ అనంతా పరమేశ్వరే కాత్యాయనే చ సావిత్రే ప్రత్యక్ష బ్రహ్మభాజనే యాయదం బ్రహ్మే నిత్యం దుర్గా నామ సదాశకం నాసాధ్యం విద్యతే దేవే త్రిషో లోకేషు పార్వతే నరంధాఢం కృతం జాయమయమశ్లమే చతుర్భర్గం తథా చంద్రలభేన్ముక్తిం చ శాశ్వతే కుమారీం పూజయత్వా ధ్యాత్వా దేవీం సురేశ్వరీం పూజయ పరిహా భక్త పఠే నామ సదాశకం తస్య సిద్ధిర్భవే దేవే సర్వే సురవరే లభే రాజానో దాసలాల్యంతే రాజ్యశ్యామవాప్నుయాత్ భారోచనాయత్కగమం త్వమేన సింధూరకర్పూరమధుత్రేణ విలక్యంత్రం విధునా విధిజ్ఞ భవే సదాధార్యతే పురారిః భూమావాస్యానుషామగ్ర చంద్రే శతభిషాంగదే విలక్ష్య ప్రభట స్తోత్రం సభవేత్సర్వదాం పదాం प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य का अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों के प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षफल होते हैं विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा
माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश उनका मान उनके कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच। ॐ अस्य श्रीचन्द्रे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सप्तभातरभीजम् दिनबन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्भावृत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयवाच त्वां यद्गह्यम्बरणं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यच लक्षतं सर्वे ब्रूहे पितामह। ब्रह्मवाच अस्य गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतापकारकम् दिव्यास्योगवचं पुण्यं तशुणश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रकण्ठेति कोष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरेति चाश्रमम् नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विजमे दुर्गमे च भयास्तः शरणं गताः। नादेशं जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं दस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। येषु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां समन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसंसातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रेघरसमारूढा वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरे वृषारूढा कौमारेषु गिरिवाहना लक्ष्मेः पद्मासना देवे पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवे ईश्वरे वृषवाहना ब्राह्मे हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता नित्यदामातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नापशोभिताः दृश्यन्तरथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्रमलं चामुसलायुधम् खेटकं दामरं चैव परशुं वाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च जालङ्गमायुधमुत्तमम् देत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानि तं देवानां निहिताय वे नमस्यस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्वायि मां देवस्वश्च शत्रुणाभयवर्धिने प्राचा रक्षत मामेन्द्रयाग्नेयामग्निदेवता रक्षणवधुवाराये नैरित्यां खड्गधारिणे हृदि चा वारुणे रक्ष वायव्यामृगवाहिने उदे चा मातु कौमारे एषा व्याक्षूलधारिणे
ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताल्लैष्णवे तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डाशववाहना जयामे चक्रधापात् विजयापात् पृष्ठतः हरिताभामपार्श्वत् दक्षिणे च पराजिता शिखामध्यग्ने रक्ष उमामध्ये व्यवस्थिता मालादरे ललाटे च भ्रुवलक्ष दिशश्चने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमगण्डा च नाधिके शङ्खने चक्षयोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिने कपोलोकालिका रक्ष कर्णमूले दुशाङ्गने नाशिकायां सुगन्ध च वक्त्रलस्य दुशर्षिका अधरे च मृदकलायभायां च सरस्वने दन्तारक्षतकोमारे कण्ठदेशे दुजम्बिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च दालुके कामाक्षि शोकं रक्ष वाच मे सर्वमङ्गला देवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवामहे कण्ठे नलिकार्नलकोभरे स्कन्धयोः कर्गणे रक्ष बाहुमे वज्रधारणे हस्तयोर्दण्डने रक्ष कम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाशूलेश्वरे रक्ष कक्षारक्षे कुलेश्वरे सरोरक्ष महादेवे मनः शोकविनाशने हृदय ललिता देवे उदरे शोलधारिणे नाभचकामिने रक्ष गुह्यं गुहेश्वरे तथा भूतलाकामिकामेदं गुदे महिषवाहिने कर्त्यां भगवते रक्ष जानुने विन्ध्यभाषिने जङ्घ महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिने गुलभिर नारसिंहे च पादपृष्ठे तुतेजसे पादाङ्गुलेषुषे रक्ष पादादस्तलवाचने नखादस्ताकराले च केशाञ्चैवोर्ध्वकेशने रोमकोपेशकोवेरे त्वचं राजेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रे च पित्तं च मुकुटेश्वरे पद्मावदे पद्मकोशकभेजोडामणे तथा ज्वालामुखे न खज्ज्वालामवैद्या सर्वसन्धिष शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां सत्येश्वरे तथा अहङ्कारो मनोमध्यं रक्षन् मे धर्मधारणे प्राणापाणौ तथा व्यानम् उदानं च समालकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिने सत्त्वं रजस्तमक्षेव रक्ष नारायणि सदा आयु रक्षतु वाराय धर्म रक्षतु वैष्णवे यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुं मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मे भार्यां रक्षतु भैरवे पन्थानां सुभदा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वदासिता रक्षाहीनं द्वयस्थानमर्जितं गजनकं तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशने मदमेकं न गच्छेतु जनेच्छुभमात्मनः कविचैनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छते तत्र तत्र फलावश्यविजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तनकामं त्वं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमतुलं प्राप्यसे भूतले भ्रमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेश पराजितः त्रैलोक्यकुमहेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तो देव्यः कवचं देवानामविधुर्लभम् यः पठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यां श्रद्धान्वितः देवी कला भवे तस्य त्रैलोक्येश्व पराजितः दिव्यदुर्शक्रमृत्यो विभाजितः नश्यन् देव्यादिहा सर्वे लोका विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रियं चापि यद्विषन् अविचारानि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचनाश्चैव जलयाश्चोपदेशिकाः
सजा कुल जामाला रखने शकने तथा अंतरिक्ष जला घोरा रखने महाबला ग्रह भूत विशाचाक्ष रक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताल कुसुमांडा भैरवादय दर्शन्ति दर्शनादस्य कवचे हृदि सर्षित मानानतिर्ववैराग्यस्तेज वृद्धे करम परम यशसा भर्जले सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपे सप्तशतीं चन्द्रं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलावनकाननं तावत् तिष्ठति मे दिन्यां सन्तते पत्रपातके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन स मोदते ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मालकण्डरुवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमाशिवधात्रे स्वाहा सदा नमस्ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणे जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमस्ते मधुकेतवमिद्रावि विदात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो देहि रक्तबीजावदे देवि चण्डमण्डविनाशिने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि शुम्भस्य वणिशुम्भस्य धूम्रातस्य मर्जने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि अजिन्द्यरूपचरित सर्वशत्रुविनाशिने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि नदेभ्यः सर्वदा वक्त्रा चण्डिके दुरितावहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि शुभद्भ्यो वक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि चण्डिके सर्वं यत्त्वमर्चयन्ति ह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमांशयं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि चराचरशिरोरत्राणि दृष्टचरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जशं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि प्रचण्डदत्तधर्मग्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्कृते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि कृष्णेन संस्कृते देवि शश्वद्भक्त्या सुराम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि हिमाचलसुतानाथ संस्कृते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि इन्द्राणि परिसद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि
देवे प्रचंड दो दंड दत्त दर्प विनाशने रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि देवे भक्त जनो धाम दत्तानंदो दयालिक रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि पत्ने मनोरमां दहि मनोवृत्तानुसारिणे धारणेन्दुर्ग संसार सागरस्य पुनद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठ नरः चतुस्सप्तति सङ्ख्या वर्णा प्रणोति सम्पदा अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बावित्यर्थम् सप्तशतिमाठागत्येन यपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेरुवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रियाप्तिनिमित्ताय नमः सोमाद्धारिणे सर्वमेतद्धियानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् स्वभिक्षेममवाप्नोति सततम् याप्य तत्परः सिद्धत्वचातनादीनि वस्तूनि सकलानवे एतेन समतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते नामन्त्राणौषधम् तत्र न किञ्चिदभिविद्यते विनाजाप्येन सिद्ध्यत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणभिसिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमानरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव विसर्षभम् श्रोत्रमे चण्डिकायासु तच्च गुप्तम् जगासः समाप्तिर्न समन्यस्य कायसामन्यन्त्रणम् स्वभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णयावाच लदश्यमष्टम् व्यावासमायितः तदातेव जगन्नाथे नानशैषा प्रसीदते एतौ रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्किलाम् विधायेन नित्यम् जगति संस्फुटम् सा सिद्धः सगणः स्वापि गन्धर्वो जायते नरः न देवस्य वयम् कापि अजायते नापवृत्तवशम् याति मृतमोक्षम् वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाण विनश्यते चतुर्ग्यदेव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते भुजैः स्वभाग्यादिश्यते ललनायने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन याप्यमिदम् शुभम् जनसूजप्यमालेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्र सादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुवाणि परामोक्षः स्तूयते सा न किम् जनैः श्रीमहिषासर्वर्धनेश्वरैकिरिनन्दिनन्दितमे दिन विश्वविनोदिनन्दगुरे जय जय हे माय जा दुर्वर्जनि रम्यक पर्जनि जय
Jaya
Yeah.
पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से वाणी निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हर भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इस माँ जगजन्य का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती स्तुति करते हैं, माँ के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन निव्य रूप से माँ भगवती का नमस्कार करते हैं, इस माँ जगजन्य जगत माता की उन शरणान भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है। और माँ भगवती हर स्थान पर, हर क्षण, हर पल अंग संग उन भक्तों की रक्षा करती है, सर्वत्र जो उन भक्तों का कल्याण करती है। उन भक्तों के माँ के आशीर्वाद से सब कार्य जो हमें सिद्ध होते हैं और सर्वत्र जो उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिक शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्ते। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषोत्सव करने वाले शरणवदसलाती नेत्रों वाले एवं गौरी हो। हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्थी हरि देवी नारायणी नमस्ते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाले तथा सबके पीड़ा को दूर करने वाले, सबके दुखों को दूर करने वाले हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। और ये करवत प्रार्थना आपके चरणों में माँ सर्वदा इसी तरह से हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपने चरणों के साथ हमें लगाए रखना। हम भक्तों के कष्टों को, हम भक्तों के दुखों को दूर कर करके सब ओर से हमारी रक्षा करना, हम सबका कल्याण करना, सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वास्तव में कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपने जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रजनन पूर्वक ये देवी की पूजा, इस शक्ति उपासना जो है अवश्य करनी चाहिए। जिस घर में माँ की पूजा होती है, माँ की जो जगाई जाती है, प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की आरती की जाती है, माँ से प्रार्थना की जाती है, परिवार एकत्रित होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, उस परिवार में, उस गृहस्थ में सदा सर्वदा जय माँ भगवती आद्य शक्ति जो है लक्ष्मी विराजमान होकर के अवधि को देती हैं, उन्नति को देती हैं, सुख देती हैं, शांति देती हैं और सर्वत्र उनका
मंगल मंगल करती हैं। उन भक्तों का यश, उनका मान, उनकी कीर्ति जो है सदा सर्वदा अटल बनी रहती। बोले सच्चे द्रवा की जय। इस स्थान को किसने देखा था कि इस पर माँ ने कृपा की, तो वास्तव में जो भी माँ की आराधना करते उन पर माँ की कृपा होती होती है। कलडा के पास ही हंसाली नाम का गांव है, वहां पर सिद्धर नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े ही निर्धन थे, उनके कोई संतान नहीं थी, संतान सुख की प्राप्ति नहीं थी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भक्त सिद्धर जी प्रतिदिन निज रूप से माँ की आराधना, माँ की पूजा किया करते थे। भक्त सिद्धर जी का यह निजम था कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संध्या वंदन करना, उसके बाद गांव की छोटी छोटी कन्या को बुला करके जो है उनका, उन्हें साक्षात माँ भगवत के रूप मान करके उनका पूजन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये उनका निजम था कि बिना कन्या पूजन के जो है वह कभी अंजल ग्रहण नहीं करते थे। तो वास्तव में जीवन में जब साधक जो है कोई एक निजम ले लेता, उस निजम का ठीक प्रकार से पालन करता है, तो उसी से सिद्धि मिल जाती है, उससे कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु निजम पक्का होना चाहिए। जब निजम लिए है तो बीच में ही वह विचलित ना हो और ठीक प्रकार निजम का पालन करे, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि माँ की अवश्य कृपा होती ही और उन्हें जो है जो भी उनकी मनोलक्ष्य कामना होती है वह सब पूर्ण होती है। कहते हैं कि इस प्रकार निजम पूर्वक भक्त सरदर जी माँ की पूजा करते थे। एक दिन माँ की कृपा हुई, अष्टमी का दिन था, माँ भगवती कन्या पूजन में कन्या के रूप में आकर के वहां पर बैठ गई। भक्त सरदर प्रतिदिन जिस प्रकार से माँ का पूजन करते थे, कन्या पूजन करते थे, वह एक ओर से कन्या पूजन करते हुए जब माँ के पास पहुंचे, देखा मुखमंडल का इतना तेज था, जिसे देख करके भक्त सरदर जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इस कन्या को कभी पहले देखा नहीं, कभी जो कन्या पूजन में आई नहीं, ये कौन है। ऐसा विचार कर करके भक्त सिद्धर ने पूछा कि देवी आप कौन है, कभी मैंने पूजन में आपको देखा नहीं। तो माँ ने कहा कि आप जिसका प्रतिदिन पूजन करते हो, मैं वही वैष्णवी हूँ। बोल वैष्णव माता की जय। तो माँ ने जिन भक्तों को भी दर्शन दिए हैं वह कन्या के रूप में दिए। कन्या पूजन जो है ये 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन जो है ये सिद्धा फलदायी बतलाया गया है। अब जो है माँ ने भक्त सिद्धर से कहा कि आप कन्या पूजन कीजिए, उसके उपरांत मैं आपको अपना वृतांत बतलाऊंगी। भक्त सिद्धर ने सभी कन्या का पूजन किया, आशीर्वाद लिया और सब कन्या प्रतिदिन की भांति अपने अपने घर को चली गई और जब माँ भगवती वैष्णवी वहीं पर बैठी रही। तब जब माँ ने भक्त सिद्धर से कहा कि आज के 3rd दिन इसी स्थान पर वैष्णव भंडारा रखो, उस भंडारे के लिए सबको निमंत्रण दो, गांव गांव में जाकर, नगर नगर में जाकर सबको भंडारे के लिए निमंत्रण दो। इतने कहते ही माँ वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब जो 2rd दिन भक्त सरदर ने कन्या पूजन किया, आशीर्वाद लिया और घर से चल पड़ा, प्रत्येक घर घर में जाकर के सबको वैष्णव भंडारे के लिए निमंत्रण दे रहा था, जो रास्ता मिलता उनको भी निमंत्रण देता। इस प्रकार से सायंकाल को सबको निमंत्रण दे करके सब वापस घर लौट रहा था, तो रास्ते में उन्हें जोगी वैरमनाथ जी मिले। जोगी वैरमनाथ जी मिले, भक्त सिद्धर ने उनका प्रणाम किया और कहा महाराज कल हमारे जहाँ वैष्णव जो भंडारा है उस भंडारे के लिए आपका निमंत्रण है। जोगी वैरमनाथ ने विचार किया कि मेरे साथ बहुत सारे शिष्य हैं और ये तो इतना निर्धन ब्राह्मण है, इसके पास स्वयं कुछ खाने को नहीं, तो हमें भंडारा क्या खिलाएगा। ऐसे विचार कर करके उसने भक्त सिद्धर से कहा कि भक्त राय मेरे साथ तो बहुत सारे शिष्य हैं। तो उसने कहा महाराज कल एक छोटी सी कन्या आई थी, न जाने कौन शक्ति थी, उसी के कहने पर उसकी आज्ञा अनुसार ही मैंने सबको वैष्णव भंडारे के लिए निमंत्रण दिया है। अब वापस लौट रहा था, आपसे भेंट हुई, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है, इसलिए निमंत्रण स्वीकार कीजिए, भंडारे में अवश्य आइए। जोगी वैरणज ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण, मुझे तेरा निमंत्रण स्वीकार है, मैं इस भंडारे में अपने शिष्यों सहित अवश्य आऊंगा। इतना कहकर के जोगी वैरणज वहां से चले गए। भक्त सिद्धर जी घर चले आए। 2rd दिन प्रातः काल उठे, स्नान किया, कन्या पूजन किया,
भंडारे का समय होने लगा, सब अतिथिगण वहां पर आने लगे, परंतु वहां पर कोई व्यवस्था थी नहीं। अब जो है भक्त श्रीधर ने माँ की जोत जगाई और एकांत में बैठ गए, माँ को याद किया कि माँ तेरे कहने पर मैंने सबको निमंत्रण दे दिया, अब मेरी लाज तेरे हाथ में, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, मैं कैसे सबकी व्यवस्था करूंगा, इसलिए मैं तो तेरी शरण में हूं। कहते कि जीवन जब भी कोई विपत्ति आए, कोई कष्ट आए, तो कभी भयभीत मत होइए, घबराइए मत, माँ की जोत जगाएं, माँ को याद करें, माँ से प्रार्थना करें, प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है और माँ की ऐसी कृपा होगी कि आपकी जो भी परेशानी होगी उसका निवारण जो है आप ऐसा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, अंतःकरण से ही आपके उनके समाधान जो है, उन प्रश्नों के उत्तर जो है अंदर से मिलेंगे, और इस प्रकार से माँ की कृपा होगी कि आपको पता नहीं चलेगा भाई कष्ट आया कैसे और चला कैसे गया। भक्त सर्दी उस समय बड़े भयभीत थे, माँ को याद किया, माँ सबसे बड़ा भय तो मेरे योगी भैरवनाथ का है, कि यदि मैं उसका आदर सत्कार नहीं कर पाया, क्योंकि सबको निमंत्रण दिया बुलाया है और जहां पर व्यवस्था है नहीं भोजन की, जब भोजन नहीं करवा पाऊंगा तो क्या अनर्थ होगा, तो माँ मैं तेरी शरण में हूँ, अब मेरी लाज तेरे हाथ में है। जब भक्त श्रद्धा ने इस प्रकार से माँ से प्रार्थना की, कहते हैं प्रार्थना करते ही माँ जगजननी माँ वैष्णवी उसी क्षण कन्या के रूप में हाथ में दिव्य करमंडल लिए हुए वहां पर साक्षात प्रकट होंगे। बोल वैष्णव माता की जय। तब जो है माँ ने जो है भक्त श्रद्धा से कहा कि भक्तराज अपने नेत्र खोलो, हिलाया तब, क्योंकि ध्यान में बैठा हुआ था, हिलाया तो भक्त श्रद्धा ने अपने नेत्र खोले, सामने देखते हैं माँ वैष्णवी हाथ में करमंडल लिए हुए माँ भगवती के दिव्य रूप में जो है भक्त श्रद्धा के जो है दिव्य रूप के दर्शन हुए। भक्त श्रद्धा ने माँ के दर्शन किए, चरणों दंडवत प्रणाम किया और स्तुति की, माँ से प्रार्थना की। माँ ने कहा कि तू क्यों चिंता करता है, निश्चिंत हो जा। तब माँ ने अपने योग द्वारा वहां पर कुटिया का निर्माण किया और भक्त श्रद्धा से कहा कि जो अतिथिगण आए सबको आदर पूर्वक इस कुटिया के अंदर बिठाइए। तब जब भक्त श्रीधर जी द्वार पर खड़े हुए और सबको हाथ जोड़ करके जय माता दी बोलते हुए सबको कुटिया के अंदर बिठाने लगे, छोटी सी कुटिया सभी उसी में बैठे जा रहे हैं, और जो कि वैरुनाथ अपने शिष्य साथ उस कुटिया के अंदर बैठ गया, फिर भी स्थान जो था खाली रहा। जी अद्भुत चमत्कार देख करके जोगी वैरुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सी कुटिया है और सब इसी में बैठे हैं और फिर भी स्थान खाली है, ये कौन कोई मायावी शक्ति है। उधर जो है जब सब बैठ गए तब माँ ने एक ओर से सबको भोजन परोसना प्रारंभ किया, एक एक करमंडल था, एक एक करमंडल से सबको सबके मन के इच्छा अनुसार जो है माँ जो है वही भोजन परोसते हुए वह चल रही है, एक करमंडल से अनेक पदार्थ। भोजन परोसते परोसते जब माँ जोगी वैरुनाथ के पास पहुंचे तब जोगी वैरुनाथ ने उसे रोक लिया और कहा कि अब सबको सबके मन की इच्छा अनुसार भोजन परोस रही हो, हम जोगी हैं, हमारे मन की जो इच्छा है हमारे मन की इच्छा अनुसार हमें भोजन मिलना चाहिए। तब माँ ने कहा जोगीराज जी वैष्णव भंडारा है, यहाँ पर वैष्णव भोजन मिलेगा, इसे स्वीकार कीजिए। इतने कहकर के जैसे माँ आगे बढ़ी तो जोगी वैरुनाथ ने उसे कलाई से पकड़ना चाहा, परंतु माँ उसी क्षण वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोले सच्चे दरबार की जय। अब जो है जोगी वैरुनाथ ने वहीं से माँ का पीछा करना प्रारंभ किया। कुछ लोगों का कहना है कि जोगी वैरुनाथ की कोशिश भावना थी इसलिए माँ का पीछा किया, वास्तव में ऐसी बात नहीं थी, जोगी वैरुनाथ एक पहुंचा हुआ योगी था, दैविक सामान्य योगी नहीं था, अनेक प्रकार की उसने सिद्धि प्राप्त की थी। उसने देखा कि यदि कोई मायावी शक्ति थोड़ी बहुत ऐसी सिद्धि प्राप्त की है तो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं तो मेरी माया के सामने भी ये टिक नहीं पाएगी, और यदि उस भगवत आदि शक्ति ने इस पृथ्वी पर जो अवतार ले लिया है तो उसी के हाथों मेरा मोक्ष होगा। यही बात जो है त्रेता युग में रावण ने भी, रावण को बहुत समझाया कि राम जो है बड़े कोई सामान्य मानव नहीं है,
भगवान का अवतार है, तो उस समय उन्होंने भी यही उत्तर दिया था, यदि जो माया भी मानव है तो मेरी माया के सामने जो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि रावण ने अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त की थी। तब जो है यदि जो है उस परमपिता परमात्मा ने अवतार लिए है तो इनके हाथों मेरा मोक्ष होगा, तो अंत में होगा भी यही था। तो अब माँ भगवती जो है बाण से चली, बाण गंगा के पास खड़े थे, हनुमान जी उनके साथ थे। हनुमान जी ने माँ से कहा कि माँ मुझे बड़ी प्यास लगी है, वहां पर कोई जल था नहीं, तो उस समय कहते कि माँ ने वहां पर बाण मारा, बाण के द्वारा गंगा प्रकट की, हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई, माँ ने वहां पर स्नान किया, अपने केश बाल धोए, इसलिए उस स्थान को दो नामों के द्वारा पुकारा जाता है, बाण गंगा तथा बाल गंगा। बाण के द्वारा प्रकट हुई गंगा, इसलिए इसे बाण गंगा कहा जाता है। माँ ने अपने केश अपने बाल वहां पर धोए थे, इसलिए उसको बाल गंगा के नाम के द्वारा ही पुकारा जाता है। जहाँ पर भक्तजन आते हैं बाण गंगा में वहां स्नान करते हैं, वहीं पीछे जाकर के वहां पर एक होल है, ऐसा होल बना जहां पर माँ ने बाण मारा था, वहीं से जल जो है ये निकलता है। फिर माँ वहां से चली चरण पादुका पहुंची, चरण पादुका माँ ने रुक करके पीछे मुड़ करके देखा कि योगी वैरनाथ के पीछे आ रहा था, तो चरण पादुका माँ के रुकने के चरण चिन्ह है। जब भक्त जन माँ के दर्शन के लिए माँ के दरबार में आते तो रास्ते में चरण पादुका में कुछ क्षण रुकते हैं और वहां पर चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, वहां का चरणामृत ग्रहण कर करके कृतज्ञ होते हैं। फिर वहां से माँ चले अर्धकुआरी पहुंचे, अर्धकुआरी में गुफा के अंदर 9 महीने तक जो तप करती रही, जैसे एक बच्चा जो है माँ के घर में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही माँ जिस गुफा के अंदर जो है 9 महीने तक जो है तप करती रही। जब योगी वैरनाथ वहां भी आ पहुंचा तो माँ ने दूसरी ओर से अपनी शक्ति द्वारा रास्ता निकाला, तो वहां से निकल पड़ी, वहां से चल पड़ी, उस गुफा का नाम जो था गर्भ झूम पड़ा। अब माँ वहां से चलते हुए इस गुफा द्वार पर आ पहुंचे, जहां करके हनुमान जी को उन्होंने आज्ञा दी कि आप प्रहरी के रूप में जहां पर खड़े रहना, मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रही हूँ, कोई भी इस गुफा के अंदर आ ना पाए, कोई आए तो उसको बाहर ही रोकना, गुफा के अंदर प्रवेश न कर पाए। इतना कहकर के माँ ने वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश कर लिया, पिंडी के रूप में विराजमान होकर के माँ तप करने लगी। कहते कुछ समय को उपरांत योगी वैरुनाथ माँ का पीछा करते हुए जहां भी आ पहुंचा और गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा, तब हनुमान जी ने उसे रोक लिया, रोकने से नहीं रुका, हट करने लगा अंदर जाने के लिए, तो हनुमान जी ने उसे धक्का देकर पीछे फेंक दिया। तब जब परस्पर इसी स्थान पर जहां पर बैठे हुए हैं, इसी स्थान पर दोनों का परस्पर युद्ध हुआ, हनुमान का और योगी वैरुनाथ का। योगी वैरुनाथ बार बार जो है गुफा के अंदर जाने के लिए हट करते हैं, हनुमान जी उठाकर पीछे फेंक देते हैं। इस प्रकार से दोनों का युद्ध जो हो रहा था, ये सब लीला माँ अपने योग द्वारा देख रही थी। तब माँ ने सोचा कि इस दुष्ट को बड़ा समय दिया, इसने अपनी दुष्टता छोड़ी नहीं, अब इसका वध करना उचित है। तो माँ स्वयं गुफा से बाहर आई, अपनी शक्ति द्वारा योगी वैरुनाथ का शिर जो था वह काट दिया। योगी वैरुनाथ शिशु जहाँ से 2 किलोमीटर दूर वैरुनाथ की घाटी है, वहां पर गिरा हुआ है और धन आपके सामने इस गुहा द्वार पर गिरा हुआ है, जो पत्थर के रूप में परिणत हो चुका है, जिसके ऊपर से रेंगते हुए भक्तजन जो है माँ के दर्शनों के लिए इस गुहा के अंदर प्रवेश करते हैं और माँ जपजन्य के इस पिंडी रूप में दर्शन करते हैं। सच्चे दरबार की जय। अब योगी वैरुनाथ विलाप करता हुआ माँ से प्रार्थना करने लगा, क्षमा मांगने लगा कि माँ मैं पापी हूँ, मैं आपको पहचान नहीं सका, माँ आने वाले समय में लोग मुझे किस दृष्टि देखेंगे, लोग मुझे पापी कहेंगे, मुझे क्षमा कीजिए। तो उस समय कहते कि माँ ने योगी वैरुनाथ से कहा कि योगी वैरुनाथ आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए क्षमा प्रार्थना की है, मैं तुझे क्षमा करती हूँ और जब वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जो भी भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे, जाति बार वह तेरे भी दर्शन करेंगे, तभी जो है उनकी यात्रा जो है वह सफल होगी। तो इससे सिद्ध होता है, बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से माँ के दरबार में आकर के अपने अपराधों के लिए अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थना करता है और आगे के लिए पाप नहीं करूंगा ऐसी प्रार्थना करते हो माँ के चरण नतमस्तक होते हैं, तो माँ जो है
उन्हें क्षमा करते, क्योंकि कपुत्र याद कभी कुमाता न भवती, पुत्र कपुत्र हो सकते हैं, माँ कभी कुमाता नहीं होती, माँ का हृदय बड़ा ही दयालु होता है, माँ के दर्शन से वास्तव में मनुष्य पर पवित्र हो जाते हैं, उसके पापों का नाश हो जाते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है जिन पर इस माँ की कृपा हो जाती है। इस प्रकार से माँ की योगी वैरवनाथ पर ऐसी कृपा हुई, आज योगी वैरवनाथ का दरबार जहाँ पर वे विराजमान हैं, भावर भक्त जन जाते हैं, प्रणाम करते हैं और भैरव के आशीर्वाद से उनकी समस्त आदि व्याधि भूत प्रेत आदि बाधा जो है दूर होते हैं और बस सबोर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनकी यात्रा सफल होती। बड़े सच्चे दरबार की जय। उधर भक्त सिरधर जी दिनराज चिंता करने लगे कि माँ कहाँ चली गई। वह दिनराज जो है यही चिंतन करते रहते थे कि माँ आपने दर्शन दिए, आप आए, आप जो है कहाँ चली गई। तो इसी तरह से उनको पुकारते रहते, कहते कि एक दिन माँ ने भक्त सिरधर जी को सपन में दर्शन दिए और अपने साथ ये दुर्ग मार्ग दिखलाते इस गुहा द्वार पर ले आई और गुहा के अंदर माँ ने भक्त सिरधर जी को अपने पिंडी गुरु में दर्शन दिखलाए और कहा कि मैं इस गुफा के अंदर यही मेरा स्थान है और जहाँ इस गुफा के अंदर मैं इस पिंडी गुरु में विराजमान हूँ, जब मैं तब कर रही हूँ, जब घोर कलयुग आएगा तब मेरा प्रादुर्भाव होगा, जब मैं प्रकट होंगी, पापों का नाश करूंगी, भक्तों की रक्षा करूंगी, मेरी पूजा का भार संभालना, मेरी पूजा करना, तेरे घर को संतान नहीं है तो जब मैं चार संतान का वरदान देती हूँ, तेरे घर में चार पुत्र होंगे। प्रातःकाल का सपन था, भक्त सिरधर जी कन्या पूजन करके माँ का आशीर्वाद लेकर के जैसा सपन में देखा था, जैसा माँ ने मार्ग बतलाया था, उसी मार्ग पर चलते चलते भक्त सिरधर जी दुर्गम मार्ग से होते हुए एक दिन इस गुफा द्वार पर पहुंचे। जो भक्त सिरधर जी का 750 वर्ष पुराना इतिहास है, भक्त सिरधर जी जहाँ पर आ पहुंचे और आकर के इस गुफा के अंदर सबसे पहले माँ जो है इस गुफा के अंदर प्रवेश किया और जगजन्य जगत माता के इस पिंडी रूम में दर्शन किए। तभी से भक्त सिरधर जी ने माँ की पूजा करना जहाँ पर प्रारंभ कर दी। कालांत कुछ समय के उपरांत माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से भक्त सिरधर के घर चार पुत्र हुए। आज भी पुजारी गण जो आज भी इतनी माँ की कृपा भक्त सिरधर बनी हुई है कि माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से भक्त सिरधर का वंश आज ही फल फूल रहे हैं। आज भी जो है भक्त सिरधर के वंश से ही पुजारी गण जो है माँ की पूजा करते चले आ रहे हैं। इतनी आज भी भक्त सिरधर पर माँ की कृपा बनी हुई है। माँ की कृपा से, माँ का आशीर्वाद से भक्त सिरधर का वंश जो है वह फल फूल रहा है। इसलिए जिस घर में माँ की पूजा होती है, माँ की आराधना अर्चना होती है, उस कुल की वृद्धि होती है, उस कुल का कभी नाश नहीं होता है। और जो है माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से जब तक जय सूर्य चंद्रमा गतिमान है, तब तक जो है उनका वंश जो है धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्म कुल कर्म करता हुआ कल्याण को प्राप्त होता। बोले सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा श्री विजय कुमार से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन सहयोग देना, समय पर बोलने ताली जाते श्री विजय कुमार। जय कर श्री बलिदा भोले सच्चे दरबार की जय। मां मेरा दिल रच आई नहीं, मेरा दिल रच आई नहीं, ओ मां मेरा दिल रच आई नहीं, मां मेरा दिल रच आई नहीं, ओ रच आई नहीं मेरी मां, मेरा दिल रच आई नहीं, रच आई नहीं मेरा दिल रच आई नहीं। मैं आ तेरे दरबार माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर मैं भगवती आप भक्तों की हाजिर से विचार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मराधे पूरे करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। मूर्त तेरी दाती पटदा जमा, जी
करदा मूर्त तेरी दाती मैं तकदार मां हर वेले मूह कुछ ना कमा मेरे जीवन दे दिन चार मैं तेरे दर ते जड़े गुजार मेरा दिल रुकियाई तू सार जग नू देख मेरे बल तक दी नहीं फिर क्यों कहनी है बच्चियां बिना रह सकती नहीं सर जग तेरा परिवार दिता क्यों विसार मेरा दिल रखिया मेरा दिल रखिया रखिया तेरे दर तो सोना कोई भी दरबार बच्चियां दी विनती मां स्वीकार नहीं फिर क्यों बच्चियां दी विनती मां स्वीकार नहीं फिर क्यों बच्चियां दी विनती मां स्वीकार नहीं तू मार चाहे दुखकार मां लोग मेरे ते हस दे हासा देखी ना मां लोग मेरे ते हस दे हासा देखी जा तू गुफा दे ओले बैठ तमाशा देखी जा बैठ तमाशा देखी जा फेर बुला एक बार फेर बुला एक बार तेरे परले तरादा मेरा दिल रखिया मेरा दिल रखिया हाँ मेरा दिल रखिया हाँ मेरा दिल रखिया रखिया मेरी माँ मेरा दिल रखिया रखिया मेरी माँ मेरा दिल रखिया ओ रखिया दिल रजाई नहीं मेरा दिल रजाई नहीं मेरा दिल रजाई नहीं मेरा दिल रजाई नहीं मेरा दिल रजाई नहीं जय करा शेरां वाली दा सच्चे दरबार की जय तुम्हें भजन प्रस्तुत करेंगे श्री यशपाल जी जय करा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय तो बुलाए अम्बे कह के वो आ जाएगी बुलाए अम्बे कह के वो आ जाएगी तो बुलाए अम्बे कह के वो आ जाएगी तो बुलाए अम्बे कह के वो आ जाएगी मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी मतलब की दुनिया से रिश्ता ही तोड़ दे
की दुनिया से रिश्ता ही फूल मन को जगदम्बे के चरणों में जोड़ दे मन को जगदम्बे के चरणों में जोड़ दे सब आशा दाती पूजा तेरी सब आशा दाती पूजा जाएगी तो बुलाएंगे कह के के बुआ जाएगी मैया तेरी भी बिगड़ी बना मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी तू बुलाएंगे कह के बुआ जाए तू बुलाएंगे कह के बुआ जाएगी तू बुलाएंगे कह के बुआ जाए तू बुलाएंगे कह के बुआ जाएगी श्रद्धा भक्ति से मगे जो तू गुण गाएगा श्रद्धा भक्ति से जो माके गुण गाएगा भाव तेरे दिल का पूरा हो जाएगा भाव तेरे दिल का पूरा हो जाएगा जो तू मांगेगा वह निश्चय ही पाएगा जो तू मांगेगा वह निश्चय ही पाएगा तेरी रग रग में शक्ति समा जाएगी तेरी रग रग में शक्ति समा जाएगी तू बुलाएंगे कह के वो आ जाएगी तू बुलाएंगे कह के वो आ जाएगी ओ मैया तेरी भी बिगड़ी बना मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी तू बुलाएंगे कह के वो आ जाएगी कह के वो आ जाएगी तू बुलाएंगे कह के वो आ जाए तू बुलाएंगे कह के वो आ जाएगी उसका दर छोड़ कर ना भटक दर बदल उसका दर छोड़ कर ना भटक दर बदल वो तो उजड़े बसा देती है लाखों घर वो तो उजड़े बसा देती है लाखों घर अम्बे की शक्ति से ना तू हो बेखबर अम्बे की शक्ति से ना तू हो बेखबर वो जो चाहेगी करके दिखा जाएगी वो जो चाहेगी करके दिखा जाएगी तू बुलाएंगे कह के वो आ जाएगी तू बुलाएंगे कह के वो आ जाएगी मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी तू बुलाएंगे कह के वो आ जाएगी तू बुलाएंगे कह के वो आ जाएगी तू बुलाएंगे कह के वो तू बुलाएंगे कह के वो आ जाएगी माही बच्चों की बिगड़ी बनाया बच्चों की बिगड़ी बनाया करे दुख मिटाया करे सुख पहुँचाया करे दुख मिटाया करे सुख पहुँचाया करे याद जब भी करे भक्त आया करे याद जब भी करे भक्त आया करे क्या कहूँ क्या क्या चक्कर चला जाएगी क्या क्या चक्कर चला जाएगी मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी मैया तेरी भी बिगड़ी बना मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी तू बुलाएंगे कह के वो आ जाएगी तू बुलाएंगे कह के सच्चे दरबार की जय प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी जयकारा श्री राम वाली दास बोल सच्चे दरबार मेरी श्री राम वाली माँ
Yeah.
जयकारा शेरा वाले दा दरबार की जय आरोण सदन से भ्रमते गगने दक्षिणे सुख सूत्र वामे हस्ते दिव्यां भक्तमयं पुष्पकं जनगम्य ृजपे शास्त्र विद्यान शब्दे क्रीडंत दिव्योपातर कमलधरा भारते सुप्रसन्न सचे ज्योत वाले माता तेरी सदा हृदय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवाद 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज 22 प्रविष्टि है। कृष्ण पक्ष आज अमावस्या तिथि ही बुधवार तदनुसार 6 मार्च सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को मां भगवती की असीम अनुकंपा से मां के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में मां के चरण में बैठ करके मां भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। मां भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान जसस्वी भव प्रज्ञा भान भव भूर्भूत करणे धारणे कनिष्ठ भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भ धारणे व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यर्थ सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्म आरोग्यमाविदात् शुभमानम हियते धनम धान्यम पशुम भूपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपका सुख समृद्धि प्रदान करें धन धान्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोले सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे संभल कर बोले ताली जाते हुए ओम जय अम्बे धरे मैया जय जयमानो मैया जय मंगल Thank you.
Thank you.
सफल बनाओ शरण माया। यौवन का साथ नहीं है, मन यौवन का साथ नहीं है, विद्या धन कुछ पास नहीं है, विद्या धन कुछ पास नहीं, नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं, नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं, नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया, नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया। धर्म मार्ग मुझको न सुहारे, कुमारग मुझको भाते, सदा कुमारग मुझको भाते, मन चंचल तिरथान न करता, मन चंचल तिरथान न करता, बड़ा चपल नादान शरण माया, बड़ा चपल नादान शरण माया, हर से हूँ ठुकराया, विषयों में भटका घबराया, समय गवा कर मैं पछताया, विषय सर्प मन नजा शरण माया, माम पदा ने मुझे है घेरा, अब कोई न मेरा, बंधु माना है तेरा, मेरा बंधु माना है तेरा, सफल निज नाम शरण माया, करो सफल निज नाम शरण माया, पूजा भेटा कुछ नहीं लाया, पूजा भेटा कुछ नहीं लाया, यंत्र गुरु ज्ञान भुलाया, पाप भार से शीश झुकाया, माता कर कल्याण शरण माया, माँ भक्तों को तुमने तारा, पुत्र सारथ न्यारा, जगत में होते माता देखे उन्हें न रोते, ऐसो कर कल्याण शरण माया, क्षमा करो अपराध शरण माया, सच्चे धर्म की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवत की पूजा करके आपके सामने गुफा द्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवत की आरती उतारी जाएगी, आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी, शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवत से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय, प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 सभी भक्त
भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे समय तक बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि ध्वजो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् ॐ शान्तिः कार्यक्रम देखे सुने और मणि मन मां भगवत के नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। कार्य कर हमेश जय मान आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मयाद पर चो सतगणी रोचनाद ज्ञान जय Thank you.
ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ਿਰਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਜੈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸਭ ਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੇ ਭਰੇ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੇ ਸਾਥ ਫਿਰ ਸੇ ਬੁਲਾਏ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆਪਕੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ॐ नमो देवे महादेवेश्वर सत्यनाय नमः मृते वज्राय कामना संतानाय ॐ गंगाराम भवदर्शन कृष्णाम्बरी श्रीकृष्ण भूतानां दाम ਖੰਡਮ ਚੰਦਨ ਸਮਾਰੋਹਣ ਸਾਉਣ ਪ੍ਰਥਮ ਸਦਿਯਮ ਗਲਮ ਸਪਤਮ ਸਪਤਮ ਗਲਮਾਤੇ ਇਧਰ ਵੀ ਸਭ ਹੀ